तिजारती पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे कि तिजारती पॉलिसी इमरान खान साहब की अच्छी थी या पीडीएम के अच्छी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तिजारती पॉलिसी तो मुझे लगता है दोनों की सही नहीं थी। पाकिस्तान में अभी तक इकोनॉमिकली किसी को इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने ही नहीं आई। खान साहब के दौर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी पीपल्स पार्टी से थे, खान साहब ने उनको अपने पास ले लिया। खान साहब के खुद के लोग तो कभी अच्छे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया नहीं गया, तो जिनको बनाया गया तो उनको इतना काम नहीं आता था। तो हमारी तिजारत के ऊपर तवज्जो रही नहीं है, हमको अपने पड़ोसी मुल्क से तिजारत करनी चाहिए। इंडिया से हमारे कैसे भी ताल्लुकात रहें वो अपनी जगह पे हैं, बिजनेस तिजारत होनी चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के हालात कितने ख़राब हैं, सरहदों पे झगड़े होते हैं लेकिन इनकी ट्रेड चल रही है। चाइना ताइवान ले लें, इंडिया नेपाल ले लें, दुनिया के कितने मुल्क जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे से लड़े थे, आज देखे सब तिजारत कर रहे हैं, आना जाना है। तो तिजारत को पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्कों से बनानी चाहिए, और जब पाकिस्तान तिजारत पड़ोसी मुल्क से बनाएगा तो पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम अपने पड़ोसी मुल्कों से लड़ाई ख़त्म ही नहीं करते, तो जिस वजह से हमने तिजारती पॉलिसी सही बनाई। आपका आपका ताल्लुक बिजनेस मैन कम्युनिटी से भी है, आपके ताल्लुकात के हवाले से आप मिलते भी रहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे, तो तिजारती पॉलिसी के अंदर क्या ताजिरों ने कोई पार्ट प्ले किया? मैं इस सवाल के बाद मिर्ज़ा आलम बेग के सवाल के बाद आपकी तरफ आता हूँ, क्या ताजिर बिरादरी आगे आई है इस हुकूमत के हवाले से भी और इमरान खान की हुकूमत के हवाले से? देखिए, यहाँ की जो बिजनेस मैन, जो ज़्यादातर मेजोरिटी जो बिजनेस मैन हैं यहाँ पर, मैंने उनमें यही चीज़ देखी कि ज़्यादातर बिजनेस मैन शॉर्टकट पर ही तवज्जो देते हैं। हमारे मुल्क का पूरा दारो मदार, हर एक छोटा बिजनेस मैन बड़ा बिजनेस मैन, तो वो ज़्यादातर जो मेजोरिटी मैंने नोट किया है, यहाँ का बिजनेस मैन भी शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। तो शॉर्टकट की जब आप तवज्जो दोगे तो बिजनेस क्या कर पाओगे? हाँ, काफ़ी बिजनेसमैन बहुत यानी अच्छे, बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना बिजनेस सही तरह से प्रमोट किया गया, ना बिजनेस की पॉलिसी को प्रमोट किया गया। हाँ, यहाँ जो बहुत बिजनेसमैन है, उसूल क्या बनता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो जितने भी अच्छे अच्छे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको हर महीने दो महीने एक मीटिंग करनी चाहिए और उनसे फीडबैक लेना चाहिए। फिर बिजनेसमैनों की सोच शॉर्टकट है, लेकिन जब आप इनसे मीटिंग करेंगे, इनसे बात करेंगे, आप घायल करेंगे कि ये रास्ते जो शॉर्टकट वाले, इनको आप छोड़ें और इस तरह से चले जिस तरह दुनिया चलती है।